प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अगले 5 सालों में सभी देशवासियों को 24 घंटे बिजली मुहैया करा दी जाएगी। विज्ञान भवन में इंटरनेशनल सेमिनार में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित और विकासशील देशों को एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अगले 5 सालों में सभी देशवासियों को 24 घंटे बिजली देने का वादा फिर दोहराया है। विज्ञान भवन में इंटरनेशनल सेमिनार ऑन एनर्जी एक्सेस का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर घर में 24 घंटे बिजली देने के लक्ष्य को 5 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। टू लाइट अप अराउंड 20 मिलियन रूरल हाउसहोल्ड्स विद सोलर होम लाइटिंग बाई 2022। ओवरऑल we aim at accelerating the overall deployment of renewable energy in India to achieve around 55 gigawatt of renewable power by the year 2070। प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया ताकि लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। सेमिनार में आए दुनिया भर के डेलीगेट्स का स्वागत करते हुए पीएम ने कहा कि दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित और विकासशील देशों को एकजुट होने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने जन भावनाओं से जुड़े पहले भी कई वादे किए जो ठीक से अमली जामा नहीं पहन सके। अब घर घर बिजली पहुंचाने का वादा है। जाहिर है लोगों के मन में संशय उठना लाजमी है कि कहीं ये वादा 2014 के लोकसभा चुनाव को देखकर तो नहीं किया गया।